मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। राग लोड़ाऊ भजन सत्तावी अंदर सब इसरार दिस तू। अंदर सब इसरार दिस तू। जाती पाए जी मेरा। जाती पाए जी मे। अंदर सूरज तारा कतियों। अंदर सूरज तारा कतियों। चंड संदो चिमकार। चंड संदो चिमकार। जाति पाए अंदर मढ़ियू मंदर शिवाला। अंदर मढ़ियू मंदर शिवाला। देवन जो दीदार। देवन जो दीदार। जाति पाए दी में। जाति पाए अंदर गोकुल गायू गोपियों। अंदर गोकुल गायू गोपियों। रास मंडल रंगदार। रास मंडल रंगदार। जाति पाए जी अबे। जाति पाए अंदर गंगा यमुना तीरथ। अंदर गंगा यमुना तीरथ। काशी है केदार। काशी है केदार। जाति पाए कहे देऊं आए तुझे अंदर। कहे देऊं आए तुझे अंदर। सारो ही संसार। सारो ही संसार। जाति पाए जी मे। जाति पाए अंदर सब इसरार दिस तू। अंदर सब इसरार दिस तू। जाति पाए दी हमें। जाति पाए पाए जी हमें। राग लोड़ाऊ भजन 27। अंदर सब असरार दिसतों। जाति पाए जी अबे। अपने गूढ़ अमृतमय वाणी में आचार्य श्री सतगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज इस भजन के द्वारा जिज्ञासु को उपदेश दे रहे हैं कि अपने अंतर में झांक कर देखो। बाहर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं,
कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माय तैसे घट घट राम है मूरख देखे ना। जिस प्रकार से हरण मृग की कस्तूरी में नाभि में कस्तूरी की गांठ होती है वो इधर उधर उसको ढूंढता है, उसे पता नहीं कि ये उसके नाभि में कस्तूरी छिपी हुई है। उसी प्रकार से परमात्मा हृदय के अंतर है बाहर नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। भगवान के गीता में अमृतमयी वचन है कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, तो गुरु महाराज जी भी उपदेश दे रहे हैं कि अंतर में वो इसरार देखो, वो परम शक्ति देखो, जाति पाए जी हमें अपने हृदय में झांक कर देखो। मन की वृत्ति को अंतर्मुखी करो, अंदर सूरज तारा कतियों चंड संदोच मुकार अंदर मड़ियों मंदर शिवाला देवन ज्योतिदार। प्रत्येक वस्तु तुम्हारे अंतर में है, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे जो भी ब्रह्मांड में दिखाई पड़ता है या जो जो आपने कुछ सुना है वो सब तुम्हारे अंतर में भी है। सूरज तारा और जितने भी नक्षत्र हैं, चंद्रमा मंदिर मढ़ी शिवाला शिव मंदिर देवताओं के मंदिर, देवता स्वयं तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। अंदर गोकुल गायों गोपियों रास मंडल रंगदार। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो रास लीला की वो तुम्हारे हृदय के अंतर भी हो रही है। ध्यान से और अपने मन को एकाग्र करके अंतर में झांकोगे तो सब कुछ तुम्हें अंतर में प्राप्त होगा। अंदर गंगा यमुना तीरथ काशी है केदार कहे टेव आहे तेंजे अंदर सारो ही संसार। भजन की अंतिम पंक्ति में गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारे अंतर है, गंगा यमुना तीरथ काशी केदार आदि सब हृदय में ही निवास करते हैं, लेकिन जो खोजे सो पावे तमेव शरणम गच्छ सर्वभावे न भारत। गुरु के द्वारा बताई गई विधि से नाम स्मरण करके अपने अंतर में प्रवेश हो सकता है और सब कुछ तुम्हें वहीं मिल सकता है। तो इस गूढ़ वाणी में गुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर शब्दों में जिज्ञासु को अपनी अंतर यात्रा करने की प्रेरणा दी है। पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खानी भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाय पद पूरण निर्वाणी अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवन आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत
सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।